सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर 2003 में सर्वशिक्षा अभियान के अंदर एक नई शिक्षा नीति बनाई, जिस तहत बच्चों को सातवीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा। ये बच्चों के मानसिक तनाव को काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई, मगर इस नीति को सही रूप से अमल ना ला पाने के कारण बच्चों को शिक्षा के ऊपर विपरीत परिणाम देखने को मिला है। इसमें एक ऐसा है कि बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस स्तर में उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल उस स्तर का नहीं है। तुम्हें तो प्राइमरी पास कर लो तो हाई स्कूल तुम किसी स्कूल असुविधा है पाठ पढ़ा का असुविधा तो बहुत किसी है कि तो जहाँ आम प्राइमरी स्कूल शिक्षा पाइबापी से शिक्षा आम पाइपन जहाँकि आम हाईस्कल पढ़ु एवं भी बहुत हईराण हो वार्ड बर्ब सेगर आम जानू इंग्लीश्रे आम क्लास टीचर साहणी सारे से आमको बहुत गाड़ी करती तुम्हें मुंडा पिला सब हुंडा है कहीं रोच किटा शिक्षा कर तुम्हें मैंने समस्ते प्राइमरी स्कूल कपी करके आसो से तुम मुंडे कि बुद्धि भी पशुनि एमती बहुत किसी आमको गाड़ी करती आमे सार को पचारिलु जे आम झियो को चतुर्थ रे काई कि नेकिरी बसैले ना सारे हम कौन सर्वशिक्षा अभियान नियम अनुसार से चतुर्थ पाठ पढ़ आप जो सर्वशिक्षा अभियान पिला पढ़ा उपरे तो से कौन टा कम लगु कम लगुच स्कूल मेन प्रॉब्लम हूँ स्कूल हूँ आदिवासी एरिया प्राय 90% आदिवासी पिला पढ़ु तेनालीर बर्तमान 165 पिला अच्छा पिला तुलन आम ये टीचर मात्रा आम चार जन अच्छे तेणु आम सर्वशिक्षा मेथड अनुसार ठीक आम पढ़े पार पढ़ार समस्या टीचर समस्या रही है। सरकार बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है, लेकिन जब तक इस योजनाओं के मूल तत्व को समझकर सही ढंग से इसको लागू नहीं किया जाएगा ये लाभकारी साबित नहीं होगी। मैं इंडिया ऑनर के लिए ओडिशा से सरिता बिस्वाल।